हाय एवरी वेल्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह नहीं हुई अभी, रात के 10:54 है और 28 तारीख है आज। और कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब सी है पंजाब की तरफ, लिहाजा आफ्टर कंसल्टिंग विद माय फ्रेंड एंड माय ब्रदर आई डिसाइडेड टू गो बैक। सुबह मुझे यहाँ आए हुए 8 दिन हो गए। तो क्योंकि मैंने प्लान तो 30 दिन का था, अब उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो सर्दी की वजह से मैं नलतर कर सका, गुजरात मैंने करना भी नहीं था। मैं अताबाद झील में भी पता नहीं क्यों गया, पता नहीं नलतर नहीं कर सका, मैं स्कर्दू नहीं कर सका, मैं स्टोर नहीं कर सका, मैं फेरी मेडोज भी नहीं जा सकता। मैंने सोचा था कि मैं बाइक खड़ी करके वहाँ पैदल जाऊँगा या जीप, पता नहीं कैसे भी। मैं गीज़र नहीं कर सका, मेरा वापसी का प्लान था कि मैं शंदूर से चित्राल जाऊँगा फिर वहाँ से वापस आऊँगा। लाइक दिस ऑल कुड हैव बीन डन इन 30 डेज, अराउंड 30 डेज मोर और लेस। तो इस तरह आप स्ट्रेच करते हैं ना, नहीं तो आप ये टूर 10-12-15 दिनों में हो जाता। तो मैं यहाँ रुक के मैंने एक्सप्लोर किया, आपने देखा जगलोट पे रुका, ओलो देखा, उसके बाद फिर हुंजा से वापस आके मैं यहाँ रुका, एक दिन आराम किया। सोचा ये था कि यहाँ रुक के करूँगा एक्सप्लोर। कल का प्लान ये था, बगरोट जगह का नाम है, बगरोट यहाँ से बिल्कुल बैक साइड पे मेरी रिवर क्रॉस करके तकरीबन 1.5 घंटा लगता है बाइक पे। वहाँ से वो उसके पास गोल्डन पीक है, फिर उसके साथ राकापोशी का पीछे से व्यू आता है वहाँ, और वहाँ ऐसे नहीं होता कि ग्लेशियर है जिस तरह दूसरी तरफ से हुंजा जाते हुए बिल्कुल पहाड़ है और आप सामने देखते हैं जैसे K2 को आप बेस कैंप से देख रहे होते हैं, उस तरह सोने की कान है वहाँ कोई इस तरह का। तो वहाँ के एक लोकल टीचर हमसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप सुबह आएँ और नंबर एक्सचेंज हुआ और मैं आऊँगा। परसों का प्लान ये था कि बिल्कुल अपोजिट जो पहाड़ है इसके ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर दियार और स्नोबर के दरख्त हैं और जंगल है, मारखोर वगैरह ऊपर होते हैं। एक लाइटर थी मैं ऑन कर दूँ तो ठीक है। वो दोनों प्लान थे, कल का और परसों का ये हो जाना था। फिर मैंने सोचा था कि मैं जगलोट जाके वहाँ का एरिया एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है रास्ते बंद होने की, वो रास्ते बंद होंगे तो फिर कब खुलेंगे। मीनवाइल हुंजा में आज से बारिशें स्टार्ट है और अगला पूरा हफ्ता बारिशें हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आएगा और फिर वहाँ से बारिशें फिर नीचे भी आएंगी। अभी भी सुबह अगला जो वीकेंड है, वीक है पूरा, उसमें दासू और आगे कोहिस्तान साइड पे भी बारिशें हैं। उस इलाके में जब बारिशें होती हैं तो इट गेट्स वेरी डेंजरस, लैंडस्लाइड का एरिया बहुत ज़्यादा। तो सारे कंपोनेंट्स मिल के सबसे बड़ा इसमें जो इशू है ना, वो मेरे ख्याल से मेरा कैंपिंग इक्विपमेंट जो है वो पूरा ना होने का। लाइक मुझे नहीं पता था कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा -2 भी, उसकी वजह से मे बी मेरा मोरल डाउन था, ठीक है। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस दिस ट्रिप वॉज नॉट इंटायरली स्पेंडिंग 30 डेज इन माउंटेन्स, इट वॉज नॉट इंटायरली अबाउट दैट। इट वॉज प्राइमरली अबाउट स्पेंडिंग ऑल दोज डेज विदाउट स्पेंडिंग सिंगल रुपी ऑन अकोमोडेशन, सही हो गया। रहने पर 1 रुपया नहीं खर्च करना था, ये मेरा गोल था और डेट गोल हैज़ बीन अचीव्ड सो फार। अगर मैं 30 दिन भी रहता तो वो अचीव हो जाना था, बिकॉज मैंने जल्दी पहुँच कर, जल्दी इसलिए मैं पहुँचता था कि मैं मुझे जगह मिल जाए, ढूंढनी पड़े तो वो टाइम मेरे पास हो। अदरवाइज अगर आपने रूम लेना है तो आप रात को 9 बजे जाएँ, आपको रूम मिल जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा मैं लो था ऐसे, क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ा। मैं अगर मैंने सिर्फ हुंजा करना होता तो मैं कभी भी ना करता, क्योंकि मैंने हुजराब किया हुआ पहले,
मैंने उमदा किया हुआ है, मैंने ये पूरा एक रास्ता है आप ये किया हुआ है, मेरा प्लान स्कर्दू का था अंदर, तो वो सारा एरिया वो नहीं हो सका। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, गीज़र में -7 है दिन के टाइम में, कैन इमेजिन रात के वक्त -14 पे जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि आई एम गोइंग बैक टमोरो। तो ये जो वीलॉग अभी आप देख रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट और सेकेंड लास्ट वीलॉग ऑफ दिस सीरीज़। लेकिन जो मैसेज था, लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि यार, कुछ लोगों ने कहा विंटर है अपना जाएँ बेवकूफ़ी है, कुछ लोगों ने कहा कि 30 दिन बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों ने कहा गुड लक। और फिर मैंने भी एक पोस्ट लगाई थी, स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, लोगों को सिचुएशन बताई थी ज़रा। तो उसमें लोग कह रहे थे कि आप वहाँ से कपड़े ले लें, आप कैंप अच्छा ले लें, इधर से मिल जाएगा आपको। कुछ ने कहा, काफ़ी ने कहा कि आप वापस आ जाएं, दोबारा चले जाएं। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है ना वो ये है कि ठीक है, एडवेंचर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा ये प्लान था पहले का, मैं आना चाह रहा था अगस्त, अगस्त के एंड तक आना चाह रहा था मैं, इट वुड हैव बीन परफेक्ट टाइम, लेकिन क्योंकि मेरे भाई बीमार हो गए तो मैं फिर नहीं आ सका। फिर मेरे माऊ बीमार थे, मैं फिर भी नहीं आ सका। तो इस वजह से जब मैं आया हूँ तो मौसम बहुत ठंडा हो गया, हालांकि जब मैं यहाँ आया हूँ तब एक्चुअली गवादर जाने का टाइम था, कराची वाला टूर का टाइम था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं आऊँगा तो फिर मैं अगले साल आऊँगा, तो वो थोड़ा सी मेरी अपनी चीज़ थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं इधर ही जाता हूँ। एनीवेज व्हाट्स डन इज़ डन, आई हैव मेड वंडरफुल फ्रेंड्स देयर, अच्छे लोग, बेहतरीन लोग, इस चेक पोस्ट पे बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए मेरे। तो अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा जून जुलाई इंशाल्लाह अगेन फॉर अ मंथ, तब मौसम भी आइडियल होगा और सामान भी आइडियल होगा। फिर महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, जितना रहना हुआ, क्योंकि रहने का मसला नहीं है। अगर अगर मैं इस सिचुएशन में, इस मौसम में, अगर मैं अभी तक बगैर पैसे दिए रह रहा हूँ, ठीक है, आप भी रह सकते हैं, सारी बात ये है, ठीक है। इस टूर का क्रक्स जो है ना वो ये है, पैसे ज़ाया नहीं करने रहने पे, और इस तरह रहना, लोगों से बात करके, कम्युनिकेट करके अपने लिए जगह बना ली है, ठीक है। आज मैं थरूड गया था, पिछली वीडियो में उसमें दो बुज़ुर्ग जो मिले थे उन्होंने कहा भाई रह लें आप हमारी तरफ। तो इस तरफ छोटे छोटे गांव में अगर आप एक्सप्लोर करें बड़े शहरों से निकल के, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों के पास रहने की, सही है। बड़े शहरों में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उस वजह से दे आर नॉट वेरी मच वेलकमिंग इस तरह की सिचुएशन में। गांव वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, हर जगह पैसे होता है। एनीवेज अब मैं ये सारा सामान पैक करूँगा और आई विल ट्राई टू स्लीप फॉर 4-5 आवर्स। सुबह 5 बजे मैंने निकलना है, और मैं अगर 5 बजे निकलूँगा तो मैं टाइमली मानसरा वगैरह उससे आके निकल सकूँगा। 10 रुकने का था, नुमान भाई ने कहा था कि आप वापसी भी रुक सकते हैं, मैं 10 पहुँचूँगा तो मैं देखूँगा क्या सिचुएशन है, अगर फिजिबल हुआ तो फिर मैं रुकूँगा, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं, हो रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू मेक इट बैक टू लाहौर मीटअप। बात तो दोबारा करूँगा ना, बाइक पर बैठ के करूँगा बाकी बात, ठीक है। अब मैं सारा कुछ पैक करता हूँ, आपको मैंने क्या दिखाना है, मैंने वैसे दिखाना था कि बाइक पर मैंने क्या क्या सामान रखा है, वो मैं बाइक लेके जाऊँगा ऐसे ही लाहौर, और मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या लेके आया था स्टोर पे, वो सारी चीज़ें जो मैंने आने वाले दिनों में रिकॉर्ड करनी थी, अब मैं घर जाके कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, सुबह मिलते हैं ना, अभी सामान पैक करके मिलते हैं। सामान पैक हो गया, बैग इज़ रेडी, कैंप अंदर, स्लीपिंग बैग बाहर है, क्योंकि अगर मैंने भी थोड़ी देर सोना है तो मैं उसको करूँगा यूज़। और स्लीपिंग बैग को बैग के साथ इस तरह बांधता हूँ कि वो बैग जब बंधा होगा तब भी बंध जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें चार्ज हो रही हैं, कुछ मोबाइल चार्ज हो रहा है, वैसे तो मैं बाइक पर भी कर सकता हूँ, लेकिन
इसको पैक करने का इतना इशू नहीं है, ये सुबह भी हो सकता है जब मैं उठूँगा। बाकी जो चीज़ें पैक करने वाली थी वो सब पैक हो गई हैं, अब सिर्फ रखने वाली चीज़ें हैं वो सुबह रखेंगे।